नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका आज ही पेपर कंडक्ट हुआ है यूपी पीजीटी 2021 मैथ्स का। स्टूडेंट टोटल आपके जो पेपर थे उसमें आपके 125 क्वेश्चन थे। स्टूडेंट कुल जो मार्क्स थे आपके वो 425 मार्क्स का पेपर था, मतलब पर क्वेश्चन जो है वो आपके 3.4 मार्क्स कंडक्ट कैरी करता था। टोटल क्वेश्चन हुए दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन और मार्क्स हो गए आपके 425। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि आज का जो पेपर हो उससे आपके रिटर्न की मेरिट बनेगी, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कम से कम आपके 3.5 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाता है, मतलब उनको इंटरव्यू कॉल आता है। तो लगभग स्टूडेंट जो आपके टोटल सीट्स हैं, मैं भी बॉयज की बात कर रहा हूँ, टोटल जो सीट्स है दोस्तों उसमें अगर आप 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग स्टूडेंट आपको 325 से और आपको 350 तक स्टूडेंट्स आपको इंटरव्यू कॉल होगा। ये 325 से और 350 तक कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूं, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा हूं कि इनको इंटरव्यू कॉल होगा। कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू कॉल होगा टोटल। आप जानते हैं कि आपकी जो 50 मार्क्स का स्टूडेंट इंटरव्यू होता है, ठीक है, और उसके बाद में आपके 25 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा एजुकेशन के भी एड होते हैं। तो जहां तो मुझे लग रहा है कि 325 से 350 तक कुल जो आपके स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, ये मार्क्स नहीं है, ये आपकी जो टोटल सीट्स है उसका आप 3.5 गुना लगभग ले लीजिए। 3.5 गुना स्टूडेंट्स को, 3.5 गुना को कॉल करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके सीट्स हैं उसके 3.5 गुना, तो लगभग 325 से और 350 स्टूडेंट्स को जरूर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात आती है स्टूडेंट मेरिट क्या रहेगी। तो अगर आज के पेपर की बात करें तो स्टूडेंट पेपर ठीक ठाक था, ऑन एन एवरेज था, बहुत से क्वेश्चन टफ थे जिनको कि आपको छोड़ ही देना, क्योंकि आप जानते हैं मात्र 2 घंटे में मैथ्स के सभी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट आप 2 घंटे में मैथ्स के 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी तो आपको तुक्के लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट मेरा जहां तक मुझे लग रहा है उम्मीद, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, बॉयज की और गर्ल्स की, ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, स्टूडेंट जनरल में मुझे लग रहा है स्टूडेंट कि आपके 89 से और 91 तक के स्टूडेंट्स जिनके की नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं उनको इंटरव्यू कॉल अवश्य होना चाहिए बॉयज के अंदर। और इधर अगर हम बात करें स्टूडेंट गर्ल्स के अंदर हम बात कर ले तो मुझे लग रहा है कि आपकी 86 से और आपके स्टूडेंट 88 तक, ठीक है, इधर आपके 86 से और आपके 88 तक की जिनके गर्ल्स में जिनके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं उनको इंटरव्यू कॉल होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा 89 से 91 तक जिनके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और गर्ल्स में 86 से 88 तक। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहने वाला है ओबीसी कैटेगरी बॉयज के अंदर अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये रहेगा आपके 85 से 87 जिनके बॉयज में जिनके करेक्ट हो रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओबीसी बॉयज में अन्य पिछड़ा वर्ग में, उनको इंटरव्यू कॉल लगभग जो 3.5 गुना को सीट्स का बुलाते हैं, जो आपके 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है उसमें इनको कॉल आना चाहिए अगर आपके इतने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं। और इधर अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आपके 81 से और 84 तक ओबीसी गर्ल्स में अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आपके इंटरव्यू कॉल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट जो है वो बिल्कुल ओबीसी से कम ही जानी चाहिए, इससे अबोव नहीं जानी चाहिए जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है और जहां तक मेरा अंदाजा है स्टूडेंट, तो इसकी जो मेरिट होगी वो आपके 80 से और 82 तक जा सकती है बॉयज के अंदर। और अगर गर्ल्स की बात करें स्टूडेंट तो 76 से और 78 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। कहने का मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट आपकी मेरिट जो है वो ओबीसी से कम ही जाएगी और यही आपके मार्जिन बिल्कुल रहना चाहिए। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट तो आपके लगभग 71 से 73 बॉयज में और यहाँ आपके 65 से 68 जो आपकी एससी कैटेगरी है गर्ल्स के अंदर। नाउ कम्स एसटी कैटेगरी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके 65 से 67 बॉयज और यहाँ से स्टूडेंट आपके 61 से 63 तक गर्ल्स। तो स्टूडेंट ये पूरा
मैंने पूरा खाका तैयार कर दिया है, जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे इंटरव्यू कॉल के लिए, तो लगभग लगभग जो आपके 3.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। स्टूडेंट मेरे हिसाब से यही मेरिट रहनी चाहिए आज के पेपर को देखते हुए, कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, एक ऑन एंड एवरेज पेपर था, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सरल थे जिनको कि आप मात्र देखने भर से आप टिक लगा सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन तो आपके यूपी टीजीटी वाले भी रिपीट हुए थे। कौन सा वाला क्वेश्चन जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया था कि 1+iota^n और =1-iota^n वाला, हम यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर का था वो रिपीट भी हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यह मेरिट को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, लगभग इसी के आसपास तो यही मेरिट रहे। जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, आप चाहे तो हमारा यूपी टीजीटी वाला भी वीडियो पीछे देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने कुछ दिनों पहले आपकी मेरिट बनाई थी कट ऑफ, ठीक है, वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, आपको धन्यवाद फॉर वीडियो वॉचिंग, नमस्कार।